हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइडिंग विद गौरव। एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे एंटॉर्क रेस एडिशन है BS6, जो कि 125 सीसी का एक सुपर स्कूटर है। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि TVS रेसिंग के साइड से ये पहला स्कूटर है इंडिया का जो कि 125 सीसी का स्कूटर है, जिसको कि देखने के बाद स्कूटर देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया है इंडिया में। अब इंडिया में स्कूटर स्कूटर नहीं है, सुपर स्कूटर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहले के स्कूटर्स ऐसा रहता था कि बहुत लोग बस क्या काम रहता था, सब्जियां लाने के लिए, सिलेंडर्स के लिए, तो इसी काम आता था। बट तो जब से एंटॉर्क आया है, तब से लोगों का नज़रिया ही चेंज हो गया है स्कूटर देखने का। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसका जो लुक दे रखा है वो एक बिल्कुल सुपर स्कूटर की तरह है। और जैसा कि इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पहले वाले वेरियंट से, जैसा कि इसमें ग्लॉसी और मैट फिनिश का पूरा लुक दे रखा है। इसके ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिए गए हैं। स्कूटर को थोड़ा सा वाइट किया गया है। इसका जो परफॉर्मेंस है उसमें भले ही थोड़ा सा ड्रॉप हुआ हो, बट कोई बात नहीं, सुपर स्कूटर तो हमारा सुपर स्कूटर है। तो इसको है ये पूरा फुल रिव्यू आने, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और काफ़ी ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है हम यूट्यूबर्स के लिए, जो आपके लिए भी है। इस वजह से क्योंकि अगर हम और अच्छी वीडियोस लेके आते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, उसमें पहले वाले वेरिएंट में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैलोजन बल्ब दे रखा था, लेकिन इसकी लाइट को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बहुत प्यारी सी एक हेडलाइट बनाया, जिसमें ये DRLs हैं जो कि बहुत खूबसूरती से जलते हैं। और ये LED लाइट है, प्रोजेक्टर लैम्प बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ जो ये ग्रिल लगी है इसको इग्नोर करना, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगी हुई है। और थोड़ा घर में डांट भी पड़ जाती है कि इसको क्यों निकाला है, ये सेफ्टी के लिए है, इस वजह से मैंने इसे लगा रखा है। बाकी मेरा मन तो इसे पूरा निकालने का है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत प्यारी सी एक लाइट दे रखी है यहाँ पे, जिसमें कि ये DRLs दे रखे हैं, वो भी टी शेप के हैं, मीन्स TVS। और यहाँ पे हाई बीम और लो बीम दे रखा है, जो कि LED लाइट्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लाइट्स हैं और पहले से काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करी गई हैं। ये तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पोर्शन ये स्कूटर का यही है, लाइट्स। तो सुदीपक भाई, एक बार की ऑन करना और इसके DRLs दिखाना कितने खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा एक टी शेप आता है, हाँ, जो कि बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे टी शेप की DRLs जलती हैं, जो कि शायद TVS वालों ने इसलिए रखा है क्योंकि ये TVS को रिप्रेजेंट करता है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बहुत प्यारी सी नोज़ दे रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है। प्रे DRLs नॉन रेस एडिशन में नहीं मिलते हैं, ये मिलते हैं रेस एडिशन में। नॉन रेस एडिशन में नॉर्मल हैलोजन बल्ब भी आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये DRLs बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो फिर बढ़ते आगे दूसरे फीचर्स की तरफ। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर मेरे पीछे कोई भी नॉइज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि भाई लखनऊ में बहुत ज़्यादा पीसफुल प्लेसेस कम ही हैं, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, नॉइज़ पॉल्यूशन। तो पहले हम चलते हैं इसके इंजन की तरफ, इंजन की बात करते हैं। TVS जो है 124.8 cc का 3-valve इंजन प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि TVS इसमें प्रोवाइड करता है 124.8 cc का 3-valve इंजन, जो 9.3 PS की पीक पावर मिलती है 7000 RPM पर। और तो टॉर्क मिलता है इस पर 10.5 न्यूटन मीटर 5500 RPM पर। इसके व्हील बेस की बात करी जाए तो इसका व्हील बेस अपने सेगमेंट के स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा लंबा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है स्कूटर को और स्टेबल रहता है स्कूटर। तो अगर एंटॉर्क की बात करी जाए तो ये अपने वेरिएंट का सबसे ज़्यादा भारी स्कूटर है, जो कि 118 kg का है। जो कि जैसे कि मैं बता दूं, BS6 में बहुत ज़्यादा ही बड़ा चेंज आया है। जो कि पहले स्कूटर्स आते थे, नॉर्मल स्कूटर्स आते थे, वो थे कार्बोरेटेड और ये है RTFI मतलब रेस ट्यून फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जैसा कि एंटॉर्क का बता दूँ कि यहाँ पर हमें मिलता है 5.8 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि पहले वाले वेरियंट से 0.8 ज़्यादा है और इसमें थोड़ा ज़्यादा फ्यूल आता है। तो जैसा कि इसके व्हील की बात करी जाए तो हमें आगे और पीछे दोनों 12 इंचेस के व्हील मिलते हैं। जैसे कि इसके व्हील की बात करी जाए तो जो इसका फ्रंट व्हील है वो है 12 इंचेस का, और जो बैक वाला व्हील है वो भी है 12 इंचेस का। और फ्रंट वाले व्हील में जो है 100 सेक्शन का टायर मिलता है एंड बैक वाले व्हील में हमें 110 सेक्शन का टायर मिलता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें। और ये अपने वेरियंट का काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर वाला स्कूटर है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा ग्रिप और काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
अगर ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो हमें ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और अगर हम रेस एडिशन की बात करें तो हमें यहाँ पे मिलता है 220 mm का डिस्क ब्रेक, जो कि काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस में। और सबसे अच्छी बात मुझे इस स्कूटर की ये लगी है, जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर फ्लैग है जो हमें दिखता है। और इस स्कूटर में बहुत प्यारा सा यहाँ पे एक लोगो मिलता है, जो कि है स्मार्ट कनेक्ट। स्मार्ट कनेक्ट का तो अगर इस स्कूटर के एक ये बहुत ही प्यारे फीचर की बात करी जाए तो ये स्मार्ट कनेक्ट। स्मार्ट कनेक्ट मतलब कि हम ब्लूटूथ से अपने फ़ोन से इस स्कूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, और जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जैसे कि आपने कितनी गाड़ी चलाई है, आप कौन से रास्ते से होके गुजरे हो, या ऐसी, जिससे कि हमें काफ़ी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में मिल जाती हैं स्कूटर के बारे में। के ग्राफिक्स की बात करी जाए तो ये ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा लुक एनहेंस करते हैं, और यहाँ पे जैसा कि देखा जाए 3D में हमें दे रखा है एंटॉर्क रेस एडिशन 125 cc, और ये जो चेक्ड ग्राफिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे हमें दिखते हैं यहाँ पे। और इसके फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो फ्यूल टैंक जो है पीछे यहाँ पे दे रखा है, जिसके तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यारे से फॉन्ट में लिख रखा है एंटॉर्क, और इसका लुक बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्रांडिंग लगती है इस स्कूटर में, और जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी स्कूटर है हमारी, और यहाँ पे 125 cc लिख रखा है, जो कि शायद आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी इस ग्रिल की वजह से। और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा यहाँ पे एक डिज़ाइन दे रखा है, यहाँ पे एक TVS का लोगो दे रखा है, और जैसा कि आप देख सकते हो, प्लीज़ इस ग्रिल को इग्नोर करना, ये तो बस घर वालों के कहने के लिए लगा रखी है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो मैंने बताया RTFI रेस ट्यून्ड, तो ये यहाँ पे इसका लोगो बना हुआ है, बहुत प्यारा लगता है फिलहाल। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ हमें कार्बन फिनिश्ड थोड़े से कुछ पार्ट मिल जाते हैं प्लास्टिक पे, जो कि एक कार्बन फिनिश्ड लुक देता है यहाँ पे भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हमें लुक लगता है। और स्कूटर की बात करी जाए तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये हमारा एग्जॉस्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक को बढ़ाता है हमारे स्कूटर के, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा देखने में बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्टी लुक आता है इसको देखने में, स्कूटर को एक बहुत ज़्यादा एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। तो दीपक भाई इसको थोड़ा सा स्टार्ट करो स्कूटर को और रैप करके दिखाओ। तो भाई फिर से थोड़ा सा भाई साहब पटाखे को बस। तो पटाखे फोड़ने में ये भी कम नहीं है भाई, अपना स्कूटर बहुत पटाखे फोड़ता है ये भी। तो यहाँ पे जो एयर इंटेक दे रखा है ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है हमारे स्कूटर को, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक एनहेंस करता है। और यहाँ पे अगर इसकी बात करी जाए लाइट की, तो इसकी जो लाइट है वो देख लीजिए आप, T-shape, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लाइट आ रखी है T-shape की, जो कि यहाँ पे भी ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई TVS है, TVS कितनी प्यारी लाइट लग रही है, देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा प्यारी है, बंद करो। और अगर लाइट्स की बात करी जाए तो हम एक चीज़ तो भूल क्या रहे हैं, यहाँ पे इनबिल्ट हज़ार्ड आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है हम लोगों को, तो दिखाते हैं हम हज़ार्ड। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है भाई, तो जैसा कि इसके फ्लोर बोर्ड का स्पेस दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब इसमें आप सिलेंडर वगैरह नहीं ले जा सकते हो, जैसे कि इंडियन स्कूटर्स पे आज तक का ऐसा किया जाता था। फिलहाल अभी आजकल के जो जितने भी स्कूटर्स हैं उसमें कम ही स्पेस आ रहा है, बट ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमारे स्कूटर्स की लुक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता है भाई हमारे घरों में। और जैसा कि दिखा दूँ कि आगे जो है हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे हमें मोनोशॉक, जो कि काफ़ी अच्छे से इसको एडजस्ट किया गया है, ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे से एडजस्ट किया है, तो ये मोनोशॉक है। और ये आगे है टेलीस्कोपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, और ये हमारा कुछ स्कूटर ऐसा, और जो कि पहले के स्कूटर से अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, और इसमें थोड़ी सी भी मतलब अगर देखा जाए ये जो फाइबर्स हैं ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट हैं, और
बिल्कुल भी आवाज़ इनमें से नहीं आती है। और इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप थ्रॉटल करोगे वैसे ही परफॉर्म करेगी। और TVS की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो कि भाई मुझे नहीं लगता है कि और कोई कंपनी ऐसा देती होगी, TVS की चाहे अपाची हो या ये एंटॉर्क हो, इसके हॉर्न बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो इसका हॉर्न देख लो पहले यार, सबसे ज़्यादा तो तेज़ हॉर्न TVS ही देता है, देखो कितना ज़्यादा साउंड है भाई, कितना ज़्यादा साउंड है, आराम से भाई आगे वाला भाग जाता है। तो जैसा कि एंटॉर्क के सीट की बात करी जाए, उसकी सीट हाइट की बात करी जाए, तो इसकी सीट हाइट है 770 mm, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा लोगों की हाइट कम होती है, बहुत ही ज़्यादा भी होती तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर 5'2" या 5'4" का कोई भी बंदा है तो आराम से सीट पर बैठ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और दो लोग आराम से सीट पर आ सकते हैं। और इसके अलॉयज़ और व्हील की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ही स्पोर्टी लुक वाले अलॉयज़ दे रखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगते हैं। और तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर्स की लाइट शो होती है, और यहाँ पे फ्यूल दिखाता है कम है ज़्यादा है, ऑरेंज लाइट जलती है, और ये इंजन के लिए है। और यहाँ पे जो है हम इकनॉमी में चला रहे हैं, ग्रीन लाइट जल रही है फ़िलहाल तो अभी हम इकनॉमी में, और जब हम 60 से ऊपर जाते हैं तो ये ऑरेंज लाइट जलती है, इसका मतलब हम इकनॉमी में नहीं। और ये हाई बीम और लो बीम के लिए दे रखा है। और इसमें हमें दो मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि स्पोर्ट्स मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड, और उसके बाद में लैप्स देखने को मिलते हैं कि कितना टाइम में मैंने लास्ट जो लैप हमारा होता है कितने टाइम में मैंने कितना कवर किया है, तो ये भी देखने को यहाँ पे मिलता है। और इसके बाद ये राइड देखने को मिलती है, हाइट स्पीड वगैरह की, कि मेरी टॉप स्पीड अभी तक कितनी गई है। और ये स्ट्रीट मोड, दोबारा से हम वहीं पर आ जाते हैं, और स्ट्रीट मोड वाले जो भी कंसोल में देखने को मिलता है, हमें ट्रिप देखने को मिलती है, और जो हम ट्रिप अपनी सेट की होते हैं हमें वो देखने को मिलती है, हमारा टोटल कितना किलोमीटर हमने कवर किया है। यहाँ पे टाइमिंग होती है, और यहाँ पे फ्यूल दिखाता है, फ्यूल इंडिकेटर है, और यहाँ पे हमारी हीट दिखाती है कि गाड़ी का इंजन कितना गर्म है कितना नहीं गर्म है, तो मीटर कंसोल में ये दिखाता है स्ट्रीट के। और जैसा कि दोबारा बात करी जाए, स्पोर्ट्स ये ट्रिप भी हो गया यहाँ पे, और ट्रिप भी दिखाता है, तो हम काफ़ी ढेर सारी ट्रिप्स इसमें सेट कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स मोड की बात करी जाए तो यहाँ पे मिनट सेकंड और मिली सेकंड्स को दिखाता है कि हमने कितनी देर में कितना मीटर कवर किया है, कितना किलोमीटर कवर किया है, और ये लैप्स होते हैं कि हमने कितनी देर में किया, 0 to 60 भी हमें यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे भी सेम वैसा ही मीटर कंसोल हीट एंड फ्यूल का भी दिखाया जाता है। और ये नॉर्मल अगर देखा जाए, यहाँ पे जो टॉप स्पीड होती है हमने कितनी देर में कितना कवर किया है, 1 to 60 कितनी देर में गई है, जैसे 15.0 seconds में 1 to 60 गई है, और सेम वापस से यहाँ पे सेम वैसा ही मीटर कंसोल रहता है। और ये है हमारी टॉप स्पीड 101, और वापस से हम स्ट्रीट मोड पे आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा, फिलहाल ये मेरी लाइफ का पहला रिव्यू है, तो अगर मेरे से कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और कोशिश करूँगा कि इससे अच्छी अच्छी गाड़ियों के इससे अच्छे तरीके से रिव्यू मैं करके दिखाऊँ। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग मोटिवेट करोगे, तो हम ज़रूर इससे और अच्छा बेटर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ यार आप लोग मोटिवेट करोगे तो हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो इसके बाद मैं सिर्फ ड्रैग रेस लेके आने वाला हूँ इस स्कूटर का, तो वो भी देखना, ज़रूर देखना। और जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है जिसने नहीं देखी है वो जाके उसे भी देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो उसको भी लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर ज़रूर करना। और जैसा कि आप देख सकते, नीचे स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा होगा, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो करो, उस पर और भी इन्फॉर्मेशन्स मिलती रहेंगी कि मैं आगे कौन सी वीडियो लेके आने वाला हूँ या कौन सी नहीं, और काफ़ी ढेर सारी फोटोग्राफी, सिनेमैटिक्स व्यूज़ और रील्स भी देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे भी फॉलो करो मुझे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ से आपसे अलविदा लेता हूँ, और तो इसके साथ साथ मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से मिलेंगे, और प्लीज़ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वेयर हेलमेट, सेफ राइड, and signing off, riding with Gaurav, thank you so much, bye bye.